तो देन नेक्स्ट वन इज टू एनालाइज द टाइम वेरिएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम दो टाइप की चेंजेज आती हैं सम टाइम आपका क्रॉस सेक्शन वेरिएशन आती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कितनी चेंज आ रही है दूसरे से तीसरे में कितनी आ रही है उसको कंपेयर करके देगा एक होता है कि ए, उस पैनल में एक ईयर से दूसरे ईयर में कितना इफेक्ट हो रहा है दूसरे से तीसरे में कितना हो रहा है तीसरे से चौथे में लाइक अगर हम 2020 का इम्पैक्ट देखते हैं एंड 2019 का इम्पैक्ट देखेंगे बिकॉज ऑफ कोविड तो वो आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज नजर आएगी तो जब सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आएगी उसको इम्पेरिकली हम इन्वेस्टिगेट करके उस पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं और ई e व्यूज इसमें हमें हेल्प कर सकती है कि जो टाइम वेरिएशन आ रही है उसको यहाँ पे एडजस्ट करके आपको हर साल का इफेक्ट यहाँ पे डिसग्रीकेट करके शेयर कर सकती है इन दिस ई व्यूज वर्क फाइल यू हैव द पैनल डेटा ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमीज यू सेलेक्ट लाइक फोर वेरिएबल एंड ओपन द फोर वेरिएबल एज आई पेयर एंड इन पैनल ऑप्शन यू कैन क्लिक ऑन द आर एस्टिमेट पीरियड फिक्स आर रैंडम इफेक्ट मॉडल एंड बाई क्लिकिंग ऑन द ओके यस यू यू हैव द फाइंडिंग्स

एस्टिमेट करके इनका ग्राफिकल एनालिसिस कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ईयर्स में जिस वक्त ये चेंज सडन हुई उसको आप कंपेयर कर सकते हैं लाइक यू हैव द वैल्यू ऑफ 97 सेवन विच इज़ पॉइंट फाइव फोर इसी तरह हम एक्सट्रीम हाई वैल्यूज़ और एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ को लेके उसकी बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ईयर में कौन सी शिफ्ट आई कौन सी पॉलिसी चेंज हुई कौन सी इंटरवेंशन हुई कौन सी रीजनल कोऑपरेशन हुआ कौन सा रीजनल कंफ्लिक डिवेलप हुआ तो जिसकी वजह से कौन सी चेंजेज आ रही हैं हम इसमें टाइम के साथ उसको कंपेयर करके उसको गेज कर सकते हैं